इसराइल लगातार अपने दुश्मनों पर कहर ढा रहा है, चुन चुन कर दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। हमास और इसराइल के बीच का मामला काफी दिनों से चल रहा है। दोनों देशों के बीच की तलखी किसी से छिपी नहीं है, जिसके बदौलत मिडिल ईस्ट में कहर मचा हुआ है। हमास की पूरी लीडरशिप खत्म करने के बाद इसराइल अब हिजबुल्ला का खात्मा कर रहा है। हसन नसरल्ला की मौत के 32 दिन बाद हिजबुल्ला के नए चीफ की घोषणा हुई। डिप्टी लीडर नईम कासिम को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। ताजपोशी के बाद ही नईम कासिम ने नतन्याहू को ललकारते हुए कहा कि हमने नतन्याहू के घर पर हमला किया था, इस हमले में वो बच गए लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, शायद कोई इजरायली ही नतन्याहू की हत्या करेगा। नईम कासिम अब तक हिजबुल्ला में नंबर 2 की पोजीशन पर था। नसरल्ला की मौत के बाद कासिम ने ही लेबनान की जनता को संबोधित किया था। पश्चिम एशिया में इजरायल ने ऐसा बारूदी कहर ढाया है जिसमें एक एक करके उसके दुश्मन ढेर होते जा रहे हैं। ये पश्चिम एशिया में वो मौत वाली कुर्सी है जिस पर बैठते ही इजरायल उसका काम तमाम कर देता है और इसकी टाइमलाइन काफ़ी चौंकाती है। पश्चिम एशिया में मौत वाली कुर्सी अब तक कई लोगों को खा गई है। यहाँ मौत की कुर्सी का मतलब है इसराइल के दुश्मन संगठनों के शीर्ष पद वाली कुर्सी। इसराइल ने 31 जुलाई को हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारा। इस्माइल ने ही 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में हमला किया था जिसमें 1200 से ज़्यादा बेगुनाह मारे गए। इसके बाद यहाँ शनिवार को नया हमास चीफ बनाया गया। वो इस मौतों वाली कुर्सी पर बैठा लेकिन ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचा। 16 अक्टूबर को इसराइल ने राफा में शनिवार को ढेर कर दिया, यानी मौत वाली कुर्सी शनिवार का भी काल बन गई। मौत वाली कुर्सी हिजबुल्ला का भी काल बन रही है। सबसे पहले 27 सितंबर को इसराइल ने लेबनान के बेरूत में एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को ढेर किया। नसरल्ला की मौत के बाद उसके करीबी हाशिम सफीद्दीन को नसरल्ला का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही इसराइल ने हाशिम को भी मार गिराया। 2 दिन पहले नईम कासिम को नया हिजबुल्ला चीफ बनाया गया है। अब इसराइल ने नईम कासिम को भी मारने की धमकी दे डाली है। इसराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने कहा है कि नईम कासिम लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रहेगा, यानी गाजा हो या लेबनान, इसराइल के दुश्मनों की जैसी ही नई कुर्सी पर ताजपोशी होती है, इसराइल के बम, ड्रोन और मिसाइलें उनका काल बन जाती हैं। इसराइल अब भी शांत नहीं बैठा है। इसराइल ने हिजबुल्ला के साथ ही सीधे ईरान को धमकी दे डाली है। हिजबुल्ला में इसराइल का खौफ इतना है कि उसने हसन नसरल्ला के मारे जाने के बाद हिजबुल्ला चीफ के नाम का ऐलान करने में 32 दिन लगा दिया। इन 32 दिन बाद जैसे ही नईम कासिम को हिजबुल्ला का नया लीडर चुना गया, इसराइल ने मौतों की धमकी देने में जरा भी देर नहीं की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कासिम ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। अगर कासिम भी अपने पुराने लीडर्स के रास्ते पर चला तो वो हिजबुल्ला के इतिहास में सबसे कम दिन चीफ रहने वाला व्यक्ति होगा। हसन नसरल्ला की मौत के बाद नईम कासिम ने 5 अक्टूबर को बेरूत छोड़ दिया था। उसे ईरान के विदेश मंत्री के विमान से ले जाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नेताओं ने इसराइल के हमले के डर से कासिम को ईरान बुलाया था। इस बीच इसराइल ने सीधे ईरान को धमकी दे डाली है। इसराइल के सैन्य प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी ने कहा है कि अगर ईरान ने इसराइल पर एक और मिसाइल हमला करने की गलती की तो ईरान को इसकी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। हमें अच्छी तरह से पता है कि ईरान तक कैसे पहुंचना है। इस बार हम ऐसा हमला करेंगे जैसा अब तक नहीं किया था। बता दें, इसराइल ने 4 दिन पहले ईरान पर सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया था। सैटेलाइट तस्वीरों से दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। खबर तो ये भी है कि इसराइल के हमलों में ईरान को रूस से मिले S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया है। यह दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में की है। ईरान के पास रूस से मिले 4 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें से एक को इस साल की शुरुआत में ही इसराइल ने नष्ट कर दिया था। नए दावे के मुताबिक ईरान का एक और डिफेंस सिस्टम नष्ट हुआ है। ऐसे में इसराइल ईरान के कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम का फायदा उठाते हुए जल्दी एक और बड़ा अटैक कर सकता है, जिसके बाद एक और बड़ी घटना देखने को मिल सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।